महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की दीपोत्सव पर्व की तैयारियों को लेकर अब बैठक की गई। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर जयपुर मुख्यालय पर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने दीपोत्सव पर्व की व्यवस्थाओं पर व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में 25 से अधिक व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में स्वच्छता की थीम स्वच्छ दिवाली शुभ दीपावली को अपनाने और बाजारों की रोशनी और स्वच्छता पर जोर दिया। महापौर ने घोषणा की कि इस वर्ष स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यापार मंडलों को पुरस्कार दिए जाएंगे। स्वच्छ बाजार पुरस्कार के लिए कुछ विशेष मानक भी निर्धारित किए गए हैं, जैसे नीले और हरे रंग के डस्टबिन की स्थापना और सिंगल यूज प्लास्टिक का त्याग। डॉक्टर गुर्जर ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील करते हुए गौ संवर्धन के लिए गौ में दीपक जलाने का भी आग्रह किया। महापौर ने 28 से 30 अक्टूबर 2024 के बीच स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और स्थानीय विक्रेताओं को स्टॉल्स प्रदान करने की घोषणा की, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। बैठक में दीपावली के दौरान सुरक्षा के लिए अग्निशामक उपायों पर भी चर्चा की गई। आज दीपावली के अवसर पर व्यापार मंडलों के साथ में बैठक की गई, ताकि व्यापार मंडल है हमारे स्वच्छ बाजार बने, और इसके साथ में कॉम्पिटिशन भी रखा गया जिस बाजार के अंदर स्वच्छता रहेगी, जिसके अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा, जहाँ ट्रिपल आर पर काम करेंगे और जहाँ डस्टबिन का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, उस जहाँ रेड स्पॉट और येलो स्पॉट नहीं होगा, उन बाजारों को स्वच्छ बाजार की कैटेगरी के अंदर अवॉर्ड भी देने का काम नगर निगम के माध्यम से किया जाएगा। आज व्यापार संघों के अध्यक्षों के साथ में वार्ता हुई और उनकी समस्या भी सुनी गई, और उसके साथ में उनको निर्देश भी दिए गए हैं कि आपको अपने शहर को स्वच्छ रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप जितना व्यापारों अपने बाजारों को स्वच्छ रखेंगे, उतने ही ग्राहक आएंगे आपके और आपका बाजार चलेगा, और जयपुर को सुंदर बनाने की हम सबकी जिम्मेदारी है, तो हम सब मिलकर जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। तो इस बार स्वच्छता की थीम के अंदर अपने व्यापार मंडलों को सजाएं, स्वच्छता की थीम पर काम करें, स्वच्छता के लिए जन जागरूकता के कार्यक्रम भी वहाँ ऑर्गेनाइज करवाएं, जिससे बाजारों की सुंदरता के साथ साथ में शहर की सुंदरता का भी ध्यान है हम रखने का कार्य करें।